नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आजाद समाज पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आजाद समाजवादी पार्टी के मुखिया आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण कब से कानूनी रूप से मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि उन पर कई गंभीर हमले होते हुए नजर आए हैं। हमले की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद की जो जान है वो बाल बाल बच जाती है, लेकिन आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद कब तक यहाँ पर बिना सुरक्षा के जनता के बीच में घूमते हुए नजर आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था कि वो तमाम लोगों के बीच में जाते हैं, राज्य दर राज्य जाते हैं, कई ऐसे हादसे हो सकते हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की जान को खतरा भी हो सकता है। ये मांग खुद चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने रखते हुए नजर आए थे। अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीखों के ऐलान के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जाती है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा की बात करें तो इस कैटेगरी में 11 पुलिसकर्मी शामिल होते हैं, 2 से 3 कमांडो शामिल होते हैं जो सुरक्षा में लगे रहेंगे। आपको बता दें जानकारी के अनुसार कि 2023 की घटना सामने आती है जब चंद्रशेखर आज़ाद सहारनपुर जा रहे होते हैं। उनका काफिला एक सड़क के रास्ते से गाड़ी के जरिए गुजर रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ लोग आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर गोलियां दागते हुए दिखाई देते हैं। जो गोलियां होती हैं वो शीशे को तो कहीं ना कहीं तोड़ देती हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के जो बात की जाए वो कमर से छूती हुई निकल जाती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बाल बाल बच जाते हैं सहारनपुर के उस घटना के दौरान। उसके बाद देखा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब संभल पहुंच रहे होते हैं उस दौरान भी पुलिसकर्मियों द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद को नज़रबंद कर लिया जाता है। उस दौरान भी सुरक्षा के लिहाजे से चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं खतरे में महसूस अपने आप को करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण की गाड़ी पलटती हुई दिखाई देती है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद नहीं होते हैं। इसी मुद्दे को लेकर ये कहा जा रहा है कि आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, इसी के साथ साथ सुरक्षा भी एक बड़ी महत्वपूर्ण कदम उठाती हुई नजर आएगी, ताकि चंद्रशेखर आज़ाद कहीं भी आसानी से जा सकें। क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ चंद्रशेखर आज़ाद के इस मांग को पूरा करते हुए नजर आए हैं, तो क्या उनके आगे झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।